विकास सिंह बोल रहा हूँ, एक न्यूज़ 24 पटना से। तो वही आपका मैं खबर देखा था एक, जो इसमें आपका एक गाना भी सुना हूँ, तो इसी गाने पर मतलब ये गाने, ऐसा गाना निकाले क्यों थे आप कि सैया के अजगर बड़ी मजगर? अच्छा, आप मीडिया वाले हैं? हाँ, मैं मीडिया से हूँ। आपका चैनल का नाम क्या है भैया? एक न्यूज 24, विश्वकुमार भवन, 4th फ्लोर। चलिए, ये गाना देखिए, रही बात गाना गाने की, भैया तो बता रहा हूँ आपको जी कि हमको ऐसे भरत शर्मा, मनोज तिवारी, भरत शर्मा, गोपाल राय, विष्णु ओझा, मदन राय, श्रद्धा सिन्हा जी, ये 3-4 कलाकार, 5 कलाकार को छोड़ के हमको ऐसा किसी कलाकार का नाम बताइए जिसने अश्लील न गाया। हाँ, नहीं तो आप ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, मैं मानता हूँ आपका बात, लेकिन अगर कोई गड्ढे में गिरेगा तो उस गड्ढे में आप भी गिर जाइएगा। भैया, आपकी बात मानते हैं, गड्ढे में जब पूरा दुनिया गिर रहा है तो हम अकेले कैसे बच सकते हैं? एक बात ये बताइए, अभी फिलहाल एक कांड हुआ था। हाँ, स्टेज प्रोग्राम पे अभी प्रमोद प्रेमी का। हाँ, वहाँ पे प्रमोद प्रेमी से अगर वहाँ पे सबसे गलती है तो जानते हैं सब किसका गलती है? पब्लिक का गलती है ना। हाँ, पब्लिक अगर अगर इस चीज को विरोध करता, उसी से जितना वहाँ पे पब्लिक था, अगर वहाँ से ढेला उठा के मारता तो वहाँ का स्टेज टूट जाता, प्रमोद प्रेमी को मरने की नौबत आ जाती, पर वहाँ तो पब्लिक को मजा आ रहा था, मजा ले रहा था पब्लिक। अच्छा, तो आप भी पब्लिक को मजा देने के लिए इस तरीके से गाना गाते हैं? हम गाना गाए हैं, हमारा गाना द्विवर्षी है, और गाना हमारा जो है द्विवर्षी गाना है, और गाने का हमारे गलत अर्थ नहीं है। अच्छा, हमारा गाना साफ सुथरा गाना है। हाँ, रही बात अश्लील लग रहा है तो वो अलग बात है। अच्छा, आपका गाना द्विवर्षी है, ठीक है, द्विवर्षी गाना है, क्या है आपका गाने का पूरा बोल क्या है? हमारे गाना गाना का बोल है, भरे न मन कबो इतना ही समझगर बाए सकती। हाँ, राजा के हमारे अजगर मजगर बाए सकती। अच्छा, राजा के अजगर मजगर बाए सकी। हाँ, तो कौन सा मजा देला पूरा गजगज बाए सकी। अच्छा, तो ये कौन सा मजा का बात हो रहा है और कौन सा अजगर का बात हो रहा है, जरा बता दीजिए ना। आपका द्विवर्षी गाना है तो जरा बता दीजिए तो हम भी समझ जाए द्विवर्षी शब्द। अजगर का देखिए क्या हुआ है कि एक लड़की का शादी हुआ है, कभी नहीं ली उसकी शादी हुआ है, जब अपने मर्द पति के पास जब वो गई है तो वो एक मतलब मदारी वाला है, ठीक है, और वो अजगर पाल के रखा है। तो जब वो लड़की अपने सखी से बता रही है कि भरे ना मन कबो, मतलब अजगर देखिए गांव में या कहीं पे भी अजगर अगर लेके कोई आ जाता है गांव में, तो लड़का हो या बच्चा हो या आदमी हो, कितना उसको गौर से देख, जब तक वो चला नहीं जाता है इंसान वहां से हटता नहीं है, देखता ही देखता है उसको। आप भी छोटे होंगे बचपन में तो कोई आता होगा गाँव घर में तो आप देखते होंगे उसको, तो देखते जरूर देखते होंगे, ऐसी बात नहीं नहीं देखते हैं। तो वही करिए कि भरे ना मन कबो इतना वो सवदगर बाए सकते, राजा के हमारे अजगर मजगर बा, मतलब राजा के अजगर जो जात है मजारी देखे पूरा मजगर बा। अच्छा, रात भर मजा देला पूरा गजगज बाए सकते। अच्छा, हाँ, तो रात भर अगर मजा है तो रात भर, और रात को जब है तो उसको कोई उसको फोए फोए करे। हाँ, अभी फोए फोए करे तो फोए फोए मामले अजगर को हाथ लगाइएगा तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो अजगर स्वाद कब से देने लग गया? अजगर, ठीक है, हम मानते हैं मदारी तो शायद बंदर रखता है, मेरे को जहाँ तक पता था ये मदारी अजगर रखने लग गया, तो ठीक है, हम आपका एक बात मान लिए, लेकिन अजगर स्वाद कब से देने लग गया? आदमी देखता है नजर से, जब आदमी देखता है तो स्वाद ही लेता है। और अच्छा अच्छा अच्छा, आप नैन सुख का बात कर रहे हैं, जो नैन सुख होता है। आप जानते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, आप लोगों की एक बात यह है कि आप लोग कोई भी गाना है ना अश्लील आता है, इससे पहले ढोड़ी चटना आया कुछ भी, वो भी वो उसके लिए मतलब वो भी अब अश्लील था। गाता कौन नहीं हमको ये बताइए, इस तरह का गाना गाता कौन नहीं है? अच्छा अच्छा, आप खैनी स्टार क्यों लिखते हैं? आपका तो नाम है अच्छा खासा, आपका प्यारा सा नाम है, मम्मी पापा आपको अच्छा खासा नाम दिया, फिर खैनी स्टार काहे के लिए डाल दिए जी नाम आप अपना? हमने आज से जब राकेश मिश्रा जी हो गए और आलम राज हो गए, दीपक बिंदार हो गए, जब नए नए जब आए थे ना उसी वक्त का हम भी है, का जमाना था ना सभी का हम भी थे,
पर क्या था कि हमने ऐसे दहेज प्रथा भी गाना गाया है, साइड सॉन्ग भी गाया हुआ है, भजन भी गाया, हर कुछ गाया। उसका लास्ट व्यू क्या था कि 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, 80,000 में यही रह गया है। अच्छा। हमने गाना गाया सबसे पहले जब देवरा ढोड़ी चकना से पहले हमने गाना गाया था ढोड़ी पे। कौन सा था ढोड़ी पे आपका गाना? ढोड़िए में खैनी बनावता। राम राम राम, मतलब सब हाथ में खैनी बनाते हैं, हाथ में खैनी बना के खाते हैं तरहती पर, आप ढोड़ी में खैनी बना रहे हैं। तो वो गाना जब हमारा आया तो 2.5 लाख उसका व्यू क्रॉस किया था उस वक्त। अच्छा अच्छा, मतलब अब हम पूरा खेला समझ गए, मतलब 2.5 लाख आपका व्यूज गया, तो आप सोचे कि कहाँ अब अच्छा गाना ना जगराता में आ रहा है व्यूज, ना सैड सॉन्ग पे आ रहा है, 25,000, 30,000 पे रह जा रहा है, तो अब खैनिए बनाइए ढोड़िए में व्यूज मिलेगा 2.5 लाख, 2 लाख मिलियन। तो हमने गाया तो जिस कंपनी से गया था उसने हमारा, अब दूसरा जब एल्बम आया तो उसने लिख दिया खैनिया सर सुनील मौर्य। ठीक। इसके बाद में हमने फिर अभी एक एल्बम गाया था, उसपे भी ज्यादा विवाद हुआ था, ढोड़ी चटना का ही मतलब वो जवाब था, जिस एल्बम का नाम था दोगला। दोगला दोगला। अच्छा, तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा बवाल उठा था। वो गाना था लाल पियरा कब के काहे देखता नहीं केहू से अभी चटवैले न बानी। अच्छा, की बोलती है देखिए, लड़का बोलता है ढोड़ी तो टोपला होश में। हाँ। बाई एगो दोगला पड़ोस में। अच्छा, तो इसमें ढोड़ी जोश जोश में। अच्छा, तो इसमें लड़की मतलब कौन सा चीज को चाटने के लिए बोल रही थी? इसमें इसमें भी डबल मीनिंग था या सिंगल मीनिंग ही था ये गाना जो समझ में आ रहा है? चाटने के लिए बोल रही है, माटा करी थी लाल पियरा सब कहे देखता नहीं। मतलब जब ढोड़ी चटना का जब विवाद, ढोड़ी चटना देवरा ढोड़ी चटना बस, हर जो पति था ना अपने पत्नी से, मतलब एक चीज का हर किसी को डर हो गया था। हाँ। कि भाई कहीं हकीकत में देवर ढोड़ी चाट ले, इतना इसका एक इतना बड़ा बीमारी फैला था। तो वही वो कह रही है कि लाल प्योरा आके क्यों दे, क्यों कहे दे खता नहीं, अभी क्यों से चटवैले न बानी। तो वही कहा था ढोड़ी तो पिला होश में, कहे से कि घर से ज्यादा ना पड़ोस में दोनों अगर साथ होते ना तो सबसे ज्यादा पड़ोसी से ज्यादा बचे के पड़त। अच्छा। घर वाला तो बड़ा सोच समझ के कोनो चीज करिए, जब पड़ोस वाला होते वो हमेशा मजा लेते। तो वही कहते ढोड़ी तो पिला होश में, बाई एगो दोगला पड़ोस में, एगो लड़का ही लकुआ बदमाश था तू चट जी तुहार। अच्छा, तो ये कौन सा मजा का बात हो रहा है जो रजाइये में होगा, बाहर नहीं हो सकता है? भाई ये पति पत्नी का प्यार है, कोई भी है पति पत्नी अगर सोता है तो लमचूस हो या कुछ हो अपना एक दूसरे को, वो रजाई ठंडी का दिन है तो घुस के खाए करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा वो चॉकलेट खा रहे थे रजाई में घुस के। हाँ, ठंडी का दिन है तो क्या करेगा, मतलब छत पे थोड़ा चढ़ के खाएगा, रात का बात है तो आदमी मजा वही कर रहा है कि मजा लो लमचूस के रजाई में घुस के। अच्छा अच्छा, लड़की फिर करिए मजा लो लमचूस के रजाई में घुस के। अच्छा अच्छा, खैनी स्टार जी आपसे एक सवाल रहेगा, आप ये गाना गाते हैं जी, तो जब आप निकलते हैं घर से बाहर उहर तो शर्म लगता है? शर्म? हाँ, लगता है या नहीं लगता है? किस चीज का शर्म? मतलब ऐसा गाना गंदा डबल मीनिंग का गाना परोस देते हैं। सुनिए ना एक हाँ। बार सुनिए ना आप मतलब जो हमको ये बात हमको कह रहे हैं, मान लेता हूँ कि मैंने गा लिया, अगर रही बात माँ बहन और बेटी बहन की तो हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, सबकी माँ बहन, तो बिना माँ बहन की तो कोई नहीं है। बिल्कुल। अब बात हमारा सुनिए। हाँ। अगर हमारी हम अगर हम अश्लील नहीं गाते हैं, हाँ। मान लेते हैं कि हम अश्लील नहीं गा रहे हैं, हम साफ सुथरा गाना गा रहे हैं, हाँ। अब वही हमारी माँ बहन अगर घर से बाहर निकल रही है, कहीं जा रही है, हाँ। आप वहीं से किसी टेम्पो में, ऑटो में, बस में बैठी है, वहाँ पे कौन सी का या खेसारी का या कल्लू का किसी का भी किसी कलाकार का गाना बज रहा है, अब वो अश्लील सुन रही है तो क्या मतलब क्या किया जाता है? मतलब कहीं ना कहीं कानों तो कुछ तो उनके अश्लील गाना जा रहा है। हमारे घर में भी माँ बहन मोबाइल चलाती है, प्रमोद कर्मी के कोई करना मतलब कौन नहीं करना मैं देखा है। अच्छा ये बताइए ना खैनी स्टार जी, हमारा जो भोजपुरी समाज है ये कैसे सही होगा? किसी ना किसी को तो शुरुआत करना होगा ना, चाहे आप करे, चाहे हम करे, चाहे कोई और करे, शुरुआत तो करना होगा। देखिए
जानते हैं भैया, शुरुआत की बात रही ना, तो शुरू जानते हैं क्या बात है। आज ने जितने भी अश्लील गाने वाले कलाकार थे, जैसे मनोज तिवारी, भरत राम, मनोज तिवारी, कवि किशन, पवन सिंह और जो भी है, मेरा हुआ, ये अश्लील गाने वाले को देखो सीट बन के संसद बना दिया है। कभी ने सरकार ने इस पे इनका विरोध किया कि नहीं भाई, तुम लोग अश्लील गाने तुमको क्यों सीट देंगे? मतलब सहमत है इस से, सरासर सरकार का गलती है। भोजपुरी से अश्लीलता हटने के लिए तो हम आपकी बात से सहमत है। अगर देखिए, हमारे एक आवाज उठाने से नहीं उठेगा। पहला काम, जितने भी बड़े कलाकार है उनको नहीं गाना चाहिए। अगर वो गा रहे हैं उनको देखेंगे तो कोई गा रहा है ना। ठीक है, मान लीजिए मेरे बड़े भाई आप जिस कदम पे आप जा रहे हैं, जिस रास्ते हम खुले जाइए उसी रास्ते हम जाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे बात आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये रिकॉर्डिंग हम चला सकते हैं जो आपने अभी इंटरव्यू दिया? बिल्कुल भैया, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।